हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है, ये है हम एक न्यू चैप्टर। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि फिफ्थ चैप्टर। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं वो अभी मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले आपको एक बहुत ही अच्छा सा कोट देखने को मिल रहा है, फटाफट से इस कोट को रीड कीजिए और एनर्जेटिक हो जाइए और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए एंड चैप्टर के लिए तैयार हो जाइए। अपनी नोटबुक्स उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर आपको मैं बता दूं कि बेसिकली तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। एक तो होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैशियस। तो क्लास 11th के अंदर जो हमारे सिलेबस में है वो है गैशियस स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है वो क्लास 12th के अंदर है, और जो आपको देखने को मिलता है लिक्विड स्टेट वो आपके फिजिक्स के अंदर है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं नॉर्मल आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन दूंगी भी व्हाट आर स्टेट्स ऑफ मैटर, हम डिफरेंशिएट करेंगे और हम क्या करने वाले हैं और उनको कुछ कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए टॉपिक पे चलने से पहले, अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन्स पर खुद ब खुद आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, बेसिकली तीन टाइप्स का है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। मैं किससे, मतलब मैं कैसे कह सकती हूँ भी हम इसे तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे मैं कह देती हूँ भाई ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या ये गैसियस है। तो देखो, एक एग्जांपल हम पहले लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपको इंडिकेट करेगा। देखो, वाटर, H2O, वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में कैसा दिखता है, वाटर सॉलिड फॉर्म में आइस होता है, वो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की। आप क्या करो, देखो लिक्विड जो होता है, एक होता है आइस, ये कौन सी हुई सॉलिड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म अगर मैं यही बोल दूं वाटर की, तो वो हमारा सिंपल ही होता है H2O, है ना। और अगर मैं आपको बोल देती हूँ गैशियस फॉर्म, तो वो हमारे होते हैं वेपर्स। तो देखो कैसे होता है, अब आपको पता है ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं ये इंटरकन्वर्टेबल होती है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैशियस में, और गैस को लिक्विड में, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या होती है, इंटरकन्वर्टेबल भी होती है। अगर मैं आपको कहूँ भी आपने पानी क्या किया जो आपका लिक्विड में प्रेजेंट है, लाइक आपके वाटर बॉटल में पानी आया, आप उसको आइस की ट्रे में रखिए, आइस क्यूब्स वाली ट्रे में, और उसे फ्रिजर में रख दीजिए, तो वो क्या होगा, सॉलिड आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि वो कौन सी स्टेट है, वो सॉलिड स्टेट है वाटर की। और अगर मैं आपको बोलती हूँ भी आपने क्या करना है, उस आइस को बाहर निकाल के ग्लास में डाल दो, तो वो कुछ टाइम के बाद पिघल जाएगी, है ना। पिघल जाएगी तो मतलब वो कौन सी स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। तो आप समझ पा रहे हो भी, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कूलिंग का प्रोसेस लिया, राइट, है ना। तो इसी तरह से अगर मान लो मैंने गैशियस फॉर्म में लेके आना है, वेपर्स में कन्वर्ट करवाना है वाटर को, तो मैं क्या करूँगी, लिक्विड को मैं क्या करूँगी, बॉयल करना शुरू कर दूँगी, तो वो गैशियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, जस्ट ये है भी आपको तीन स्टेट्स बता रही हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस होती है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज करता है, किस बेसिस पर मैंने क्या किया, स्टेट्स ऑफ मैटर को थ्री कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया। तो हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ टू डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर, या फिर लिख लीजिए हाउ टू डिटरमाइन विच स्टेट इज प्रेजेंट, हाउ टू डिटरमाइन Which state is present? कैसे डिटरमाइन करें भी कौन सी स्टेट है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इसको डिटरमाइन करने के लिए ना हम मैग्नीट्यूड देखते हैं टू ऑपोजिंग फोर्सेस का। अब आप लिखेंगे, मैं डिक्टेट करती हूँ, टू डिटरमाइन विच स्टेट इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड वी नीड टू चेक आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू ऑपोजिंग फोर्सेस। मैंने क्या बोला, टू डिटरमाइन विच स्टेट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू ऑपोजिंग फोर्सेज। अब कौन से दो ऑपोजिंग फोर्सेज हैं जिनके कारण हम ये बता सकते हैं भी वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो लिक्विड में है, वो गैसियस में है। तो सबसे पहली मैंने क्या बोला भी, दो ऑपोजिंग फोर्सेज है, पहली फोर्स होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन। पहली फोर्स कौन सी होती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन।
सेकेंड फॉर्म स्टूडेंट्स कौन सी होती है? सेकेंड फॉर्म होती है एस्केपिंग टेंडेंसी. कौन सी होती है? एस्केपिंग टेंडेंसी. अब स्टूडेंट्स, म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होती है और एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, इसको करने से पहले मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस का ना स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ. देखो, जो सॉलिड है, मान लो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट होंगे? देखो, ये पहला पार्टिकल है. पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है. ये दूसरा है, तीसरा है, फिर देखो चौथा, पांचवा और ये छठा. तो ये क्या सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा. अब आप इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बोलूँ म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो सॉलिड के केस में म्यूचुअल अट्रैक्शन हम बता सकते हैं, ऐसे लिक्विड के केस में, ऐसे गैसेस के केस में. और एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है? भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे दूर जा सकते हैं. म्यूचुअल अट्रैक्शन नाम ही बता रहा है, कैसे पास आ सकते हैं. एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केप कैसे कर सकते हैं, दूर कैसे जा सकते हैं. तो पहले मैं आपको तीनों को लिख के दिखाती हूँ, फिर इसके अंदर ये दोनों चीज़ें दिखाऊंगी. ये है सॉलिड. अब अपन लिक्विड का बनाते हैं. लिक्विड वाटर है वैसे तो, जैसे वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो लिक्विड का मैं क्या करती हूँ, बीकर बना लेती हूँ. ठीक है, अब इसके अंदर लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ना स्टूडेंट्स, वो कुछ कुछ दूरी पे, ना ज़्यादा पास है ना ज़्यादा दूर है, कुछ कुछ दूरी पे. देखो यहाँ पर क्या था, बिल्कुल चिपक रहे हैं, लेकिन लिक्विड के केस में बिल्कुल चिपक भी नहीं रहे और ज़्यादा दूर भी नहीं है. और अब यहीं पर आपको मैं गैसियस का दिखाती हूँ. तो ये गैसेस का केस है, समझ पा रहे हो? ये किसका केस है? ये गैसेस का है. ऊपर आपको सॉलिड का केस है, ये लिक्विड का, गैसेस का. अब आप डेफिनेशन लिखिए म्यूचुअल अट्रैक्शन की. म्यूचुअल अट्रैक्शन अकर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विच मेक्स द मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, इट अकर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड दे कम क्लोजर. वो क्या आते हैं? पास आ जाते हैं. तो वो क्या होते हैं? म्यूचुअल अट्रैक्शन. कैसे? देखो, अगर मैं आपको बोलूँ मेरा ये जो हैंड है, ये एक पार्टिकल है और एक ये दूसरा पार्टिकल है, अगर ये पास आ रहे हैं तो ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं. अट्रैक्ट होना, पास आना, तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स होती है. अब एस्केपिंग टेंडेंसी की होती है वेन दे मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर. जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, देखो ये तो होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन और ये होती है एस्केपिंग टेंडेंसी, दूर जाना. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, जैसे ये पास आ रहे हैं तो एरो में देखिए दोनों पास आ गए मॉलिक्यूल्स. दूर जाने को एक एरो इधर, एक एरो इधर, मतलब एक मॉलिक्यूल उधर चला गया, एक मॉलिक्यूल इधर चला गया. तो ये दो फोर्सेज हैं. अब आप कैसे बता सकते हो भी सॉलिड के अंदर कैसे हमें पता चला भी ये सब्सटेंस सॉलिड है? तो अगर अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है, म्यूचुअल अट्रैक्शन को मैं एम ए से लिख देती हूँ, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वो एस्केपिंग टेंडेंसी से बहुत बहुत ज़्यादा है. म्यूचुअल अट्रैक्शन इज वेरी 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 मच मोर देन द एस्केपिंग टेंडेंसी. एस्केपिंग टेंडेंसी लिखना ई टी, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो म्यूचुअल अट्रैक्शन को एम ए और एस्केपिंग टेंडेंसी को ई टी. तो मैंने अगर आपको बोला अभी म्यूचुअल अट्रैक्शन हमारी बहुत 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 ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी, तो वो सॉलिड स्टेट होगा. अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, ओनली थोड़ी सी ज़्यादा है एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो वो लिक्विड. देखो यहाँ मैंने ज़्यादा एरोज लगा दी, मतलब बहुत ज़्यादा है. यहाँ मैंने एक ही एरो लगाई है, मतलब कुछ ज़्यादा है. तो ये कौन सी होती है? हमारी लिक्विड स्टेट, लिक्विड फॉर्म होती है. अब अगर मैं आपको बोलूँ गैसेज में क्या होता है, गैसेज में म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है और एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. अब आपको इसको समझाती हूँ, देखो कैसे. देखो यहाँ सॉलिड स्टेट में मैंने बोला म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एस्केपिंग टेंडेंसी से. म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब होता है पास आना, पास. अब देख सकते हो पार्टिकल्स कितने पास हैं, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर, मतलब इनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है. एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब दूर जाना. जब ये आप देखो ये पार्टिकल्स पूरे के पूरे इस डब्बे के अंदर फिट है, क्या ये दूर जा सकते हैं? नहीं, ये दूर जा ही नहीं सकते. तो इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी कौन सी होगी, है ना? एस्केपिंग टेंडेंसी होता है भी दूर जाना, पार्टिकल एस्केप करके यहाँ एस्केप कर सकते हैं, जगह ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे. तो इस केस में म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है एस्केपिंग टेंडेंसी. तो अगर ऐसा कोई केस आपको देखने को मिलता है तो वो सॉलिड फॉर्म होती है. ठीक है, अब अगर देखो लिक्विड के केस में देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कुछ, इसमें तो बहुत है, इसमें थोड़ी सी है. देखो कैसे, एक पार्टिकल इधर है, एक इधर, एक इधर, इन दोनों में गैप देखो, इन दोनों में गैप देखो, मतलब एस्केप करने का मतलब क्या हुआ, वो जा सकता है दूर. यहाँ मूवमेंट हो सकती है, यहाँ मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ मूवमेंट है, इस वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी है और अट्रैक्शन भी है, तभी पास है.
ये तो है नहीं भी, हाँ बहुत दूर है, गैस में तो देखो जमा ही दूर है ना, लेकिन यहाँ पर एस्केपिंग टेंडेंसी थोड़ी सी कम होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन से। और गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस के केस में एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब दूर दूर पार्टिकल भागते हैं। देखो एक पार्टिकल इस कोने में तो एक इसमें, एक इधर तो एक इधर, और यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होती है, मतलब वो पास नहीं आते, वो दूर जाते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है म्यूचुअल अट्रैक्शन से। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने क्या किया, सॉलिड लिक्विड और गैसेस को डिवाइड किया उसकी म्यूचुअल अट्रैक्शन और उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी पर। अब आपने वीडियो को पॉज करके क्या करना है, स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करना है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी अगर हम हीटिंग करेंगे या कूलिंग करेंगे तो वो स्टेट अपनी चेंज कर सकता है। तो अगर मैं आपको कहूँ भी मैंने प्रेशर कॉन्स्टेंट कर दिया, प्रेशर मैंने 180 ले लिया, तो मैं टेम्परेचर चेंज करती जाऊँ तो हमें क्या, मतलब किस टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट देखने को मिलती है, अब हम वो देखते हैं। देखो अगर मैं वाटर का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, प्रेशर हमने कॉन्स्टेंट रख दिया, 180 रख दिया, तो टेम्परेचर अगर -10 डिग्री सेल्सियस है ना स्टूडेंट, तो वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट हो जाएगी। और सॉलिड वाटर सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आइस की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा भी जब टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है तो सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करती है और हमें आइस की फॉर्म में वाटर देखने को मिलता है। क्लियर है, पक्का? आगे देखो, अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हमारा, यानी कि रूम टेम्परेचर जो है ना, एसी वेसी चलाते होंगे आप लोगों को पता ही है, तो रूम टेम्परेचर अगर हमारा, मैं कहती हूँ 27 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें कौन सा फॉर्म देखने को मिलता है वाटर का, लिक्विड फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर अगर आप देखो -10 डिग्री सेल्सियस करोगे तो सॉलिड फॉर्म में आइस प्रेजेंट, मतलब आइस की फॉर्म में। अगर आप 27 डिग्री सेल्सियस एट द रूम टेम्परेचर करोगे तो वाटर लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दोगे डियर स्टूडेंट्स, तो वो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके डियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करने लगी हूँ, टेबल बनाने लगी हूँ, और हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेस को। फटाफट से आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है। जब भी मैं इरेज कर रही होती हूँ आपका ये काम होना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस अभी आपको जो लिखवाया उसको रिवाइज कर लो फटाफट से। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमने ना 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक सॉलिड के लिए, एक लिक्विड के लिए और एक गैसेस के लिए, राइट? तो हेडिंग आप डाल लीजिए सॉलिड, ठीक है, फिर आएगा लिक्विड और फिर आएगा हमारा गैस, या गैसियस लिख देते हैं, है ना, गैसियस स्टेट। सो स्टूडेंट्स देखिए, सॉलिड लिक्विड स्टेट है और गैसियस स्टेट है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर वो पैक्ड कैसे होते हैं, हमारे पार्टिकल्स किस तरह से पैक्ड होंगे, जो स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सॉलिड में ये कुछ इस तरह से पैक्ड होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं, क्या पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है? बिल्कुल, पूरे के पूरे टाइटली पैक्ड है, जमाई जगह नहीं है, हिलने की जगह ही नहीं है। ये अपनी ना मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं, मीन पोजीशन मतलब जहाँ पर ऐसे ना, बस ऐसे ऐसे बस ऑसिलेट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। सो आप यहाँ लिखिए, पहला पॉइंट क्या है डायग्राम बनाकर, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड हैं, पहला पॉइंट क्लियर है। अब लिक्विड के केस में डायग्राम बनाइए, बीकर बनाएंगे, जैसे ये पार्टिकल्स हैं ऐसे, समझ पा रहे हो? देखो आप डिफरेंस ही देखो, यहाँ पर बिल्कुल चिपके हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड बट आर क्लोज टू ईच अदर, लिखो पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड, पूरी मतलब बुरी तरीके से पैक्ड नहीं है लेकिन क्लोज है, नॉट टाइटली पैक्ड, सॉरी Not tightly packed, but are close to each other. अब गैसेस के अंदर यही, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो देखो, एक पार्टिकल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कुछ ऐसे पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर,
particles are far away from each other. देखो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, लेकिन इसमें भी कई स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं. ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. इसमें क्या, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, बहुत बुरी तरीके से पैक्ड है, हिल भी नहीं सकते. इसमें क्या, पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड बट आर क्लोज टू ईदर, पूरी तरीके से पैक नहीं, लेकिन हाँ पास हैं एक दूसरे के. और इसमें क्या, पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर तक प्रेजेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका होगा. सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस. लिखिए, किसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, किसमें कम है, आपने ही बताना है. तो यहाँ देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है ये एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस. तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि वो इतनी पास है. डिस्टेंस कब राइज करेगा, जब ऐसे होंगे, देखो गैप है ना इन दोनों के बीच में, लेकिन जब ऐसे है तो डिस्टेंस ही नहीं है. मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, मिनिमम है. किस केस में, सॉलिड के केस में. क्या है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मिनिमम है. लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना, देखो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो ये डिस्टेंस हुआ इन दोनों के बीच का इंटरमॉलिक्यूल, यहाँ न्यूक्लियस से लेंगे ना ऐसे, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये था, तो ये कम है और ये ज़्यादा है ना, तो ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस है. ये कौन सा डिस्टेंस है, इंटरमीडिएट, मतलब ना ज़्यादा ना कम, बीच वाला डिस्टेंस है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसमें मिनिमम है, इसमें कितना है, इंटरमीडिएट है डिस्टेंस. और गैसेस के केस में क्या, एक पार्टिकल इधर बैठे है, एक इधर, तो देखो कितना डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, पहले दो पॉइंट क्लियर है. इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं है, मिनिमम है. इसमें इंटरमीडिएट है, मतलब बीच का है, ना ज़्यादा ना कम. और इसमें क्या है, मैक्सिमम है. फटाफट से इसको नोट करो, मैं फर्स्ट पॉइंट को इरेज कर रही हूँ. फटाफट इसको इरेज कर देती हूँ, डायग्राम बनी रहती है, क्योंकि डायग्राम से क्या हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. और ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मुझे यहाँ बताइए कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ये जो पार्टिकल है ये इसके बिल्कुल चिपका हुआ है, मतलब इसमें जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है ना. देखो अट्रैक्शन होता है पास आना. यहाँ पर देखो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल चिपका हुआ है, मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है. तो थर्ड पॉइंट लिखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है. ये एरो इंक्रीज का है, आप यहाँ पर मैक्सिमम लिख के आना, कहीं आप पेपर में एरो लगाया हो मैम क्रॉस मार देगी. ये मैंने जस्ट शॉर्ट में लिखने के लिए, ठीक है. तो मैक्सिमम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में. लिक्विड के केस में देखो, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, हाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं हो रहे जितने सॉलिड में हो रहे हैं. तो सॉलिड से कम है लेकिन गैसियस से ज़्यादा है, तो इंटरमीडिएट है इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और आप नीचे लिख भी सकते हो, मोर देन सॉलिड, सॉलिड से क्या है, ज्यादा है. क्लियर है, ठीक है. सॉरी मोर देन नहीं, लेस देन, गलती से लिख बैठी. सॉलिड में तो बिल्कुल पास पास है, लेकिन यहाँ थोड़ी दूरी पे है. और मोर देन इसमें आएगा गैसेस, लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैसेस. भी गैसेस के कंपैरेटिवली तो इसमें ज्यादा है. अब गैसेस में देखो, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इतनी दूर है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से लगेगी, बहुत कम लगेगी, मिनिमम. इसमें क्या ज़्यादा लगेगी, इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा लगेगी, दूर जाने की पावर ज़्यादा है. तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मिनिमम है. थर्ड पॉइंट फटाफट से स्टूडेंट्स नोट करिए, वीडियो को पॉज करके. हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी. फोर्थ पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी कब लगती है, काइनेटिक एनर्जी का आपको देखो रट्टा नहीं मारना, याद करते. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर. वी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी. और वेलोसिटी कब आएगी, जब हम चलेंगे, मूव करेंगे. तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पार्टिकल्स के चल सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं, जब इतने चिपके हुए हैं मूव ही नहीं कर सकते, तो काहे की काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस टाइम पर जीरो हो जाएगी. सॉरी स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो देखिए, मैंने आपको बोला
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. रट्टा नहीं मारना, समझाने के लिए बता रही हूँ. वी होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है कितनी स्पीड से पर यूनिट टाइम पार्टिकल चलता है. तो यहाँ पर देखो, ये पार्टिकल क्या चल सकते हैं, इसके अंदर जगह ही नहीं है चलने की. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी सॉलिड के केस में. अब हमारा जो लिक्विड है वो तो इंटरमीडिएट पे बैठा हुआ है, हर चीज़ में इंटरमीडिएट, हर चीज़ में इंटरमीडिएट. तो ये भी क्या है, इंटरमीडिएट ही शो करेगा, थोड़ा बहुत चल पाएगा. लेकिन यहाँ पर आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन सॉलिड. ठीक है, यहाँ पर देखो लेस देन सॉलिड इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसकी मोर देन सॉलिड हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी तो स्पेस है बेचारे के पास चलने फुलने की. मोर देन सॉलिड होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी. और लिक्विड में क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, इतनी दूर है ये जो अपने मजे से घूमते हैं, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है. एस्केपिंग टेंडेंसी यही होती है ना, भी कितनी दूरी पे जा सकते हैं और कैसे जाएंगे, वेलोसिटी के साथ ही जाएंगे. वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाएगी. क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. वीडियो को पॉज करेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे. अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला पॉइंट इरेज कर रही हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला. ठीक है, नीचे वाला भी इरेज कर रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी वाला. होपफुली आपने लिख लिया होगा. सॉरी, ओके. अब है डेफिनेट शेप, मतलब डेफिनेट नहीं, शेप एंड वॉल्यूम के बारे में. शेप एंड वॉल्यूम के बारे में फिफ्थ पॉइंट है. सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, शेप और वॉल्यूम के बारे में. तो मुझे एक बात बताओ, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की शेप क्या है और वॉल्यूम क्या है. शेप इसकी डेफिनेट है. डेफिनेट क्यों है, देखो एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, मतलब भरा हुआ है, बिल्कुल भी जगह नहीं है. तो शेप क्या हुई, फिक्स हुई. सिमिलरली वॉल्यूम भी क्या हुआ, फिक्स हुआ. तो शेप और वॉल्यूम क्या है, फिक्स रहेगा, यानी कि डेफिनेट. तो लिख लीजिए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. इसको कोई चेंज कर सकता है, इसकी शेप को नहीं बदल सकते, फिक्स होती है. लिक्विड के केस में देखो, पानी को मैंने क्या किया, पहले मैंने एक बड़े जार में ले लिया, फिर मैंने ग्लास में उसको डाल दिया, तो शेप तो बदल गई ना. पहले उसने जार की शेप एक्वायर कर ली, बाद में उसने ग्लास की शेप एक्वायर कर ली, मतलब शेप चेंज हो सकती है. तो इसकी शेप क्या है, फिक्स नहीं है. लेकिन वॉल्यूम देखो, पहले जार के अंदर 5 ml पानी था, ग्लास में भी मैंने डाल दिया 5 ml ही था, चेंज तो नहीं हुआ. तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, यानी कि डेफिनेट. तो इसमें क्या आएगा, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है. अब मुझे बताओ गैसेस के केस में, इसमें तो भाई शेप भी नहीं है और इसमें वॉल्यूम भी नहीं है. आप देखो, जब आप किसी और में डालोगे तो एस्केप कर जाएगी. वॉल्यूम का कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती. सो नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम इज डेफिनेट. नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम डेफिनेट. ठीक है, फटाफट से इस पॉइंट को नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स. अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है डेंसिटी. नेक्स्ट आता है डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. डी इज इक्वल्स टू एम बाय वी. अब मुझे बताओ, सॉलिड में जो उसका वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, सॉलिड में उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं. और वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, वॉल्यूम जब पूरा इतना बड़ा डब्बा मान लो कोई है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है. तो मास भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. क्योंकि शेप भी फिक्स है तो मास भी उतना ही फिक्स रहेगा, मास चेंज नहीं हो सकता, कम भी नहीं कर सकते, ज़्यादा भी नहीं कर सकते, तो वही कभी रहेगा. तो डेंसिटी मैक्सिमम होती है. अब लिक्विड के केस में डेंसिटी क्या होती है, फिर से भाई साहब ये तो इंटरमीडिएट पे अटके हुए हैं. तो लिक्विड में जो डेंसिटी है ये क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है. और गैसेस में डेंसिटी बताओ, गैसेस में क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मैंने बोला इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता ही नहीं, चेंज होता रहता है, कभी कम हो गया कभी कुछ है. तो आप ये देखिए, इसकी जो वॉल्यूम है और मास के कारण, ठीक है, क्योंकि शेप भी फिक्स नहीं है तो मास भी फिक्स नहीं है, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है. तो हाइएस्ट डेंसिटी किस में होती है, सॉलिड में, और मिनिमम किस में होती है स्टूडेंट्स, हमारी गैसेज में. फटाफट से इसको नोट कर लीजिए. अब आता है लास्ट पॉइंट जो कि है कंप्रेसिबिलिटी. ओके, okay.
कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्रेसिबिलिटी होता है आप कितना कंप्रेस कर सकते हो, मतलब कितना दबा सकते हो. जब इसके पार्टिकल्स फिक्स हैं वो हिल ही नहीं सकते तो आप कैसे दबाओगे, दबा नहीं सकते ना. डस्टर को उठा के देखो, डस्टर को दबा के देखो, क्या वो अंदर हो जाएगा, अंदर की तरफ नहीं हो सकता, कंप्रेस ही नहीं हो सकता. तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, मिनिमम है, सबसे कम है. फिर लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी हाँ थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, बीच का है इसका हिसाब गैसेस और उसके. तो ये फिर इंटरमीडिएट है, मतलब बीच की है, ना ज़्यादा ना कम. और गैसेस में कंप्रेस कर सकते हो, हाँ गैस कैन बी कंप्रेस्ड. तो इसके अंदर क्या हमारी हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिफरेंस देखा था सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में. अब आती है मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की. अब देखिए, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो होती हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मास, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास के बारे में. मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, हम गैसेस की बात करें तो हम वही लेंगे. मैंने क्या लिया, एक मतलब लाइक बॉक्स लिया, कंटेनर सा लिया जो एम्प्टी था, एम्प्टी था और उसका मास था W1. मास क्या था उसका, W1 था. फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर गैस फिल कर दी. जब मैंने गैस फिल कर दी तो पहले तो एम्प्टी था, गैस फिल करने के बाद जो इसका मास आया वो आया W2. कितना आया, W2. तो अगर मैं आपसे पूछूं गैस का कितना मास हुआ, जो मास आपने भर दिया उस कंटेनर के अंदर, अगर मैं कंटेनर का मास पूछूंगी तो क्या होगा, जो उसकी गैस अंदर प्रेजेंट होगी उसके मास पे डिपेंड करता है ना. तो मास ऑफ गैस क्या होगा, W2 - W1, यानी कि जो पहले जो बाद में था फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये क्या आ जाएगा, मास गैस का आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये भी अराइज करता है भी, अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए जाए गैस के तो वो कैसे निकालोगे. नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़ रखा है मोल कंसेप्ट में, क्या होता है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास. मास आप निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है, नीचे लिख दोगे उसको और ऊपर आपने कह लेना गिवन मास गैस का. तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो. सिंपल सा था ये, तो कुछ भी नहीं था, एक खाली कंटेनर है उसमें गैस भर दी, कंटेनर खाली था तो मास W1 था, गैस भर दी तो उसका मास क्या हो गया, W2 हो गया. तो यहाँ से मास गैस का क्या आ गया, W2 - W1 हो गया. क्लियर है, अब इसको आप नोट करोगे पहले वीडियो को पॉज करके. अब आगे देखो, वॉल्यूम आता है. स्टूडेंट्स वॉल्यूम कैसे मेजरेबल क्वांटिटी है, वॉल्यूम अगर हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे लिक्विड को या कुछ को, तो जो उस लिक्विड का एरिया जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंटेनर पे डिपेंड करेगा. मान लो अगर उसको स्ट्रेट ग्लास में डाल देते हो, ठीक है, तो वो स्ट्रेट ग्लास का वॉल्यूम निकालेंगे तो उस लिक्विड का आ जाएगा, ऐसे करके. अब वॉल्यूम के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर और मिलीलीटर. इसमें हम वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टी है ना, तो इसे हम किस में मेजर कर सकते हैं, मैंने बता दिया. और SI यूनिट यानी कि मोस्ट कॉमन यूनिट कौन सी हमारी जो होती है, जो यूज़ की जाती है ना, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, मीटर क्यूब है. अब स्टूडेंट्स एक कन्वर्जन के लिए कई बार आपको कन्वर्ट करने को दे देते हैं, अभी 1 मीटर को कन्वर्ट करो 1 मीटर क्यूब को, तो कैसे करोगे, तो आप इसे याद कर सकते हो, B 10^9 मीटर मिलीमीटर क्यूब जो है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, और वो 10^3 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और वो 10^3 लीटर के इक्वल होता है, एंड वो 10^6 ml के इक्वल होता है, एंड लास्टली वो 10^6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है. मान लो आपको क्वेश्चन दे देते हैं, बी जो 6 मीटर क्यूब है उसको कन्वर्ट कीजिए मिलीलीटर में, इसको आपने कन्वर्ट करना है इसमें. तो सिंपल है भी, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होते हैं, 10^6 ml, मतलब ml के, तो 6 मीटर क्यूब कितने के इक्वल होगा, 6 × 10^6 हो जाएगा. तो इस कन्वर्जन यूनिट को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको हेल्प होती है, मतलब पेपर में आ जाता है कन्वर्ट करना और आप इसी में गलती कर देते हैं. तो ये तो थी 2 मेजरेबल आपकी प्रॉपर्टीज़. अब जो नेक्स्ट 2 मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसे डिस्कस करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करेंगे. सो यस स्टूडेंट्स, अब आती है नेक्स्ट मेजरेबल क्वांटिटीज़, देखिए कौन सी है. एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर. टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस कितनी और डिग्री ऑफ कोल्डनेस कितनी है, तो वो डिग्री को डिटरमाइन करता है भी क्या तापमान है ना. तो इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, आप इसे नोट कर सकते हो. अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम टेम्परेचर को 3 स्केल्स में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट. केल्विन को हम कैपिटल K से लिखते हैं, सेल्सियस को हम ऐसे C और ऊपर डिग्री लगाते हैं, और फारेनहाइट को F के ऊपर डिग्री लगाते हैं, डिग्री से सर्कल सा लगाते हैं, ठीक है. अब अगर आपको पेपर में दे दिया जाए भी सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है केल्विन में कन्वर्ट करो, या आपको फारेनहाइट में दिया है और सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो ये क्या है आपके लिए कन्वर्जन, आपके लिए ट्रिक है जो आप याद कर सकते हो. बी सेल्सियस डिग्री -0/100 इज इक्वल्स टू के, यानी कि जो हमारा वो है
केल्विन माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। मान लो अगर आपको केल्विन और फारेनहाइट का निकालना है, मान लो केल्विन का दे दिया, फारेनहाइट का पूछा है, तो इन दोनों फॉर्मूला को इक्वल पुट करो और दूसरे का निकाल लो। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट करोगे टेम्परेचर वाले टॉपिक को सबसे पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन सी आती है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो उसका प्रेशर होता है, वो उसके प्रेशर को डिटरमाइन करता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर का जो मतलब जो मैं कहूँ कॉमन यूनिट है वो एटीएम होता है। तो अगर मान लो जैसे मैंने अभी आपको उसका लिखवाया था वॉल्यूम का, वैसे ही इसके अंदर कन्वर्ट करने को दे दें एटीएम, मान लो आपको 5 एटीएम दे दें, उसे कहे प्रेशर को बार में एक्सप्रेस करो, तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? देखो, 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ एचजी। 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 760 टोर। ये सारी प्रेशर की यूनिट्स हैं, टॉर बार न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 1.01325 बार। और अगर इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में अगर आप 1 एटीएम को कन्वर्ट करना है तो 1.01325 × 10^5 से करोगे। और मान लो अगर आपको टॉर में दे रखा है और इसमें कन्वर्ट करना है तो 760 टॉर इज इक्वल्स टू इतना, 1 टॉर इज इक्वल्स टू उसको 760 से डिवाइड कर दो। कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इन कन्वर्जन यूनिट्स को भी आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन थी जिसके अंदर हमने स्टडी किया भी क्या दो फोर्सेज हैं जो ये बताती हैं भी कोई भी मतलब मैं कहूँ जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो वो दो फोर्सेज हमने देखी, म्यूचुअल अट्रैक्शन देखी और एस्केपिंग टेंडेंसी। उसके बाद हमने स्टडी किया वाटर का एग्जाम्पल लेकर भी, अगर प्रेशर 1 एटीएम है तो टेम्परेचर डिफरेंट करेंगे तो कौन सी स्टेट है। फिर हमने डिफरेंस की हेल्प से सॉलिड लिक्विड गैस को डिटरमाइन किया और अब लास्ट में मेजरेबल प्रॉपर्टी देखी। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।